मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब, पिछले दिनों वसीम रिजवी ने एक याचिका कोर्ट में डाली थी कि पवित्र पाक कुरान की 26 आयतें हटा दी जाएं। उसके बाद एक और कथित संत ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। इन सब पर हमारे साथ रजा एकेडमी के सदर हैं, इन सब पर क्या उनकी राय है, क्या इस मामले में रजा एकेडमी कदम उठा रही है, जानते हैं हम उनसे। जी हजरत, कुरान शरीफ की 26 आयात पर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन दाखिल किया है, तो उसमें हम लोगों ने भी रजा एकेडमी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से हम भी रुजू हुए हैं और हमारा मुतालबा ये है कि कानून हिंद के मुताबिक उसकी इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे, रद्द कर दे, ये काबिल समात नहीं है। इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये किया है, कुरान पाक के ताल्लुक से वहाँ पर भी किसी ने पिटीशन दाखिल किया था 85 में, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश करेंगे कि उसको खारिज कर दे। दूसरी बात ये कि तमाम मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें हुजूर के सदक़े में, कि वो उसका वादा है कि कुरान पाक में एक हर्फ भी तब्दील नहीं होगा, उसकी हिफाजत का जुम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। लेकिन हमको चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि इस पिटीशन को वो खारिज करें सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। माज़ल्ला एक खाके पर एक खाका बनाया और नीचे हुजूर का नाम लिख दिया। इसलिए बम्बई के उलमा ने एक मीटिंग की, हज़रत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइनिया साहब की सदारत में मीटिंग हुई और ये बताया गया कि 48 घंटे के अंदर अगर उस पब्लिशर ने उस खाके को अपनी किताब से नहीं हटाया तो हम उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नतीजा ये हुआ कि उसने उस किताब से वो खाके को हटा दिया। हमने ख़ुद उस किताब को मंगवाया और देखा तो उसके अंदर वो खाका मौजूद नहीं था और उसके अलावा उसने माफ़ी भी मांगा है। तो उसको चाहिए कि वो ये किताब है जिसके ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं कि ये किताब, ये नई किताब है। इसके सफ़ा नंबर 89 पर वो खाका बना हुआ था तो उसने हटा दिया। और ये जो नया एडिशन आया है उसमें ये देखिए तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं की तस्वीर इसके अंदर मौजूद है और जो हुजूर से मंसूब खाका था उसको निकाल दिया है। तो इस तरीके से अल्लाह ने उसको हिदायत दी कि उसने ये तस्वीर और ये खाका हटा दिया। इसलिए तमाम मुसलमानों से अपील है कि वो अपनी ताकत के मुताबिक जो भी कर सकते हैं हुजूर के नामूस के लिए, हुजूर की इज़्ज़त के लिए, उनको चाहिए कि वो इकदाम करें कानूनी तौर पर। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं तो पुलिस स्टेशन जाकर एक कागज़ पर कंप्लेंट लिखें और उस कंप्लेंट को जाकर अपने थाने में, अपने पुलिस स्टेशन में दें ताकि आपके गम गुस्से का इजहार हुकूमत तक पहुंच सके। बात की जाए तो जो कथित संत हैं उनके ख़िलाफ़ दिल्ली के अंदर ही कई जगह FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना तो उनकी कोई गिरफ़्तारी की गई है ना कोई और कदम उठाया गया है। इस बाबत रजा एकेडमी कुछ करने जा रही है क्या? अगर उसकी गिरफ़्तारी नहीं होती है जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है, तो कौम में, मुल्क में, मुसलमानों में ये मैसेज जाएगा कि हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही है, हुकूमत उसको बचा रही है। वरना आज ज़रा सी कोई काम हो जाता है तो फौरी तौर पर उसकी गिरफ़्तारी हो जाती है। तो इसकी गिरफ़्तारी नहीं करना, इससे जो है ये मैसेज जाएगा कि हुकूमत इसकी सरपरस्ती कर रही है और इसको ढील दी हुई है, इसलिए इसकी गिरफ़्तारी नहीं हो रही। लिहाजा हुकूमत को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भी और कानून के तहत भी इसकी गिरफ़्तारी होना लाजिम है और हुकूमत को इसकी गिरफ़्तारी करना चाहिए। इससे पहले भी वो संत एक मुस्लिम लड़के को पानी पीने के लिए काफ़ी मारा पीटा था, उसके बाद उन्होंने ये दूसरा कदम उठाया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की हरकतें किस तरीके से वो करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? क्या हुकूमत के आगे की सैप ये सब हो रहा है? ये अपना ओछापन और निचलापन का सबूत दे रहा है। बच्चों को मारकर, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर अपने आप को नुमाया करना चाहता है, शोहरत हासिल करना चाहता है,
और हुकूमत से इनाम व इकराम हासिल करना चाहता है, ये जो है हमारा यही मुतालबा है कि इसको गिरफ़्तार करे, इससे और लोगों के हौसले पस्त होंगे, वरना अगर इसको ढील दी गई तो न मालूम और इस किस्म के कितने लोग पैदा होंगे। आज हुजूर की नामुस पर हमला किया गया, कल कोई और किसी और मजहबी रहनुमाओं के ताल्लुक से भी बोलना शुरू करेगा, लिहाजा इसका मुंह आज बंद कर देना लाजमी और ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ रजा अकादमी के सदर, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी शान हुजूर की शान में गुस्ताखी की है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस कथित संत को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो।